you. Good morning, students. हाँ, आज मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ओके? क्या है ऐसे में? नेशनल फ्लैग, झंडा. लोगों को पता है ना, हमारा नेशनल फ्लैग क्या होता है? झंडा. कंसिस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट कलर बैंड्स. हाँ, कितने कलर? थ्री कलर्स बैंड होता है. और द टॉप मोस्ट सेफ्रन, ऊपर जो दिया है सेफ्रन कलर, हम ऑरेंज कलर होते हैं, ऑरेंज नहीं, उसको क्या बोला जाएगा? सेफ्रन कलर. हाँ, नेक्स्ट में दिए दिया कंट्रोल पार्ट. जो कंट्रोल पार्ट है, कंट्रोल पार्ट मतलब कंट्रोलिंग सेंट्रल पार्ट. हाँ, जो सेंट्रल पार्ट है उसमें व्हाइट बीच में, कंट्रोल नहीं, गलत है ना, सेंट्रल, सीएनटीआरएल, सेंट्रल. द सेंट्रल पार्ट इज ए व्हाइट, बीच में व्हाइट, ऊपर सेफ्रन, बीच में व्हाइट, मिडिल में, और उसके बाद है ग्रीन. यस, तो आप लोग को पता है द सेंट्रल पार्ट इज व्हाइट विद द अशोक चक्र. हाँ, इन ए नेवी ब्लू, अशोक चक्र क्या है? नेवी ब्लू होता है. और लोअर, लोअर मोस्ट मतलब नीचे काला, नीचे ग्रीन, लोअर मोस्ट नीचे सेम कलर होना चाहिए, मतलब ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन सेम सेम होना होता है, पूरे उतना ही दिया जाता है कलर. जो ये जो बड़ा है ना, उसके तीनों कलर सेम टाइप का होता है. देखो, ईच ऑफ द कलर्स ऑफ द बैंड्स हैज ए स्पेशल मीनिंग. सेफ्रन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस. सेफ्रन का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस. नीचे क्या दिया? व्हाइट स्टैंड फॉर पीस, शांति. व्हाइट के ये क्या है? शांति, पीस. ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी. बैंड ग्रीन का क्या है? प्रॉस्पेरिटी. द अशोक चक्र हैज 24 स्ट्रोक्स इन ईच. अशोक चक्र में कितने स्ट्रोक है? 24. द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स. कितने इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स? हमें ईच ऑफ द कलर्स ऑफ द बैंड्स हैज ए स्पेशल मीनिंग. सेफ्रन स्टैंड्स सैक्रिफाइस. व्हाइट स्टैंड फॉर पीस, शांति. ग्रीन स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी. नेक्स्ट, द अशोक चक्र हैज 24 स्ट्रोक्स इन ईच. कितने? 24. द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग. नेशनल फ्लैग सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होता है ऑन नेशनल फेस्टिवल सच एज इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे. इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. ओके, वी सिंग द नेशनल एंथम एंड सैल्यूट द फ्लैग. जब फ्लैग होस्टेड होता है, हम नेशनल सॉन्ग बोलते हैं और सैल्यूट करते हैं, हाथी से रख के हमें सैल्यूट करते हैं. किसको? देश के लिए जो लोग जीवन दिया है, बहुत सारे लोग इसे अपना प्राण दे दिए. द फ्लैग इज ए सिंबल ऑफ आवर हार्ट, सिंबल ऑफ आवर यूनिटी. हाँ, फ्लैग का क्या है? यूनिटी. फ्लैग का मीनिंग क्या है? यूनिटी, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी एज ए नेशन. हाँ, जाति प्रतीक. देखो, यूनिटी होना चाहिए. हम इंडियन है, इंडियन हमारे सभी, इंडिया इज माई कंट्री. और इंटरनेट एज ए नेशन. इंटरनेट क्या होता है? नेशन, जाति प्रति. वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट ईट. हमें हमेशा ये फ्लैग को रिस्पेक्ट देना चाहिए. हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं और नेशन.
से कितने कलर के होता है, ट्राई कलर, तीन कलर के होते हैं। ओके
Hockey? Yes. Yes, we play hockey. Yes. Can she swim? Yes, she can.
बिंदु तुम क्या कर रहे हो? आई एम स्टडी या आई गो टू स्कूल, सबको बोलना है। Yes.